हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि डीसी फैन को तैयार करने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आज हम आपके सामने सॉल्व भी करके दिखाएंगे। तो मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ हमारे पास देखिए डीसी मोटर है, और डीसी मोटर ये है और इसका लाड देख सकते हैं काफ़ी पतला है, और यह डीसी मोटर है। इसके बाद जो है कि हमारे पास जो है कि यहाँ जो है कि ये पंख भी है इसका। तो जब हम हमारा सारा सेटअप तैयार हो जाता है, जब हमारा सारा सेटअप तैयार हो जाता है, जैसे हम मोटर को स्टैंड पे फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद जो है कि हम जब डैना यानी इसके पंख को यानी इसके डैने को लगाने की बारी आती है, तो दिक्कत क्या होता है कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये जो डैना है, यह आप पीछे से देख सकते हैं कि इसका होल जो है कि काफ़ी बड़ा है। मैं और पास से दिखाना चाहता हूँ कि इसका होल आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, और आप देख सकते हैं कि रॉड इसका काफ़ी पतला है, और इसके होल में आप देख सकते हैं कि इस रॉड का जो है कि कोई जो है कि अनुपात नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह रॉड कितना पतला है और यह होल कितना बड़ा है। तो यह होल जो है कि फराटा साइज के रॉड का है, इसमें फराटा का रॉड चल जाता है और डीसी का जो फैन आता है उसका चल जाता है, लेकिन डीसी मोटर का जो है कि रॉड इसके अपेक्षा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमारा फैन बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा तो इसी चीज़ की हमें दिक्कत होती है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो फैन है, यह जो इसमें ये पेंच लगा होता है और पेंच की सहायता से इसको कसा जाता है। हालांकि बाजार में कभी कभी वो वाला भी मिल जाता है जो कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह डीसी मोटर का जो लाड है इतना पतला भी मिल जाता है, लेकिन उसमें पेंच नहीं कसा होता है, वह उसके प्लास्टिक के दबाव से इसमें जो है कि उसके दबाव से इसको चढ़ाया जाता है, उसके दबाव में यह थोड़ा दबा रहता है। लेकिन यह जो पंख है इसमें हम कैसे जो है कि वो जो है कि हम इसको फिट करें, तो फिट करने के लिए आइए मैं आपको आज छोटा सा उपकरण दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ यह छोटा सा क्या उपकरण है, और इसी की सहायता से डैना को और जो है कि मोटर को एक में फिट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस साइड से इस साइड तक पूरा होल है और यहाँ बीच में है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको इसमें लगा लेना है, और लगाने के बाद जैसे कि देख सकते हैं कि यह फ्री है, और यहाँ जब पेंच कसा जाएगा तो यह जो है कि रॉड से जुड़ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको अब लगाना कैसे है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यह इसके साइज का है। आप देख सकते हैं यह इसके साइज का है, यह इसके साइज का है, एकदम इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इसको जो है कि यहाँ जो है कि लगा लेना है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि चला जा चुका है अंदर तक, और आप देख सकते हैं कि इसमें यह इसकी फिटिंग अच्छे तरीके से बैठ चुकी है। और बैठने के बाद जो है कि मोटर को इसमें हमें लगा देना है, जितना हमें रॉड अंदर करना है उतना हमें लगा लेना है। और लगाने के बाद जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ इस स्क्रू को कसा जाएगा, और यह हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। और टाइट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह जो है कि डीसी मोटर से इसका फैन जो है कि जुड़ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, यह जो है कि डीसी मोटर से इसका फैन जुड़ चुका है, और बहुत ही अच्छे तरीके से डीसी मोटर से जुड़ चुका है, और इसको पेंच की सहायता से यहाँ कसा भी जा चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको पेंच की सहायता से यहाँ कसा भी जा चुका है और फिटिंग की जा चुकी है। तो आप भी इस तरीके से अगर फैन बना रहे हैं तो फैन बनाने में आपको भी ये छोटी सी दिक्कत आ सकती है। तो इस जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह जो इसको क्या बोला जाता है और यह कहाँ मिलेगा, ये भी बात है। तो मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ। यहाँ जैसा कि आपने देखा ही था पहले, यह जो छोटा सा सेटअप है इसको जो है कि इस छोटे उपकरण को नब बोला जाता है, इसको नब बोला जाता है, और यह आपको वहीं मिलेगा जहाँ यह डीसी मोटर आप जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे खरीद रहे हैं वहाँ जो है कि आप इस नब को खरीद सकते हैं। और मोटर के साथ आपको यह 2 से 3 रुपए के अंदर में ये नब मिल जाता है, और मोटर के साथ अगर आप नब भी ले लेंगे तो आपका ये वाला डैना इसमें बहुत ही आसानी से फिटिंग आ जाएगा। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।